चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैदल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज द डाइलेक्ट्रिक हैज अ कैपेसिटेंस सी, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड हैविंग द सेम थिकनेस एज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज इंट्रोड्यूस सो एज टू फिल 1/4 ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज देखो, फिगर को हम अगर थोड़ा सा चेंज करें, ये डायलैक्ट्रिक है और थिकनेस इतना पोर्शन जो है पूरे का 1/3 है, 1/4 है, सॉरी 1/4 है ये पूरा पोर्शन। जैसे इसका एरिया ए है तो ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया होगा 3 a/4 होगा, a/4 होगा। अगर ये a/4 होगा तो ये वाला यहां से यहां तक का एरिया कितना होगा, 3 a/4 होगा। डिस्टेंस तो t ही है, तो दो कैपेसिटर बन गए ना एक तरह से देखा जाए तो, एक कैपेसिटर ये हो गया, साथ में एक कैपेसिटर ये हो गया, और ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, अगर मैं इधर पॉजिटिव कह दूं, ठीक है, यहां पर डायलेक्ट्रिक के का लगा हुआ है, यहां एयर है, करेक्ट है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले वाले कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई फोर अपॉन डी, डी मीन्स टी के बराबर है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी टू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट 3 a/4 अपॉन टी, ये होना चाहिए। और ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 + C2। ठीक है, C1 की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट a/4t प्लस 3 ε0 a/4t, जो कॉमन है कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लें, एप्सिलॉन नॉट a/4t कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा के प्लस 3। इसको आप ले सकते हो, और अगर ये इनिशियल अगर देखा जाए तो ये पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, सी थी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई सी हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए सी बाई फोर ब्रैकेट में के प्लस 3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, सी बाई फोर के प्लस 3, सी बाई फोर के प्लस 3, ये ऑप्शन सही है ना, पहला ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।